Tuk-tuk, you got the sauce, bitch. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप देख रहे हैं चेकसॉमिंग के लेटेस्ट एपिसोड। और मैंने सोचा रियलमी एक्स पे एक नया अपडेट आया है जहां पे हमें सिक्योरिटी पैच मिला और कुछ यहां पे नई चीज़ें आई हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है जिससे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना बता दूँ क्या कुछ आया है। अब यहाँ पे जो पहली चीज़ ऐड हुई है वो है सिक्योरिटी पैच, एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच है सितंबर 2009 का। तो ठीक है, हमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच मिल गया है। सिस्टम में चलते हैं, यहाँ पे सिस्टम की यहाँ पे चीज़ें आई हैं। एडिड मैनुअल लॉक फीचर बाय लॉन्ग प्रेस द पावर बटन, तो इसको दबा के देखते हैं। जब दबाएंगे तो ये देखो, पहले तो गूगल असिस्टेंट, उसके बाद ये आता है। फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन आ जाता है जिसको आप दबाओगे तो यार यहाँ पे ना ही कोई फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आएगा, ना ही यहाँ पे फेस लॉक चलेगा। यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को इनेबल करते हो तो सिर्फ आप अपने पासकोड से ही एंटर कर सकते हो, तो जिसको पासवर्ड पता है वही एंटर हो सकता है। तो अच्छा फीचर है। और यहाँ पर उसके बाद कहते हैं डिस्प्ले द डाटा कंज्यूम्ड बाय कनेक्टेड डिवाइसेस का, आपके साथ ब्लूटूथ कनेक्टेड है डिवाइसेस तो उसके डाटा कितना कंज्यूम कर रहा है वो आपको बता देगा। कस्टमाइजेबल डाटा कंज्यूम रिमाइंडर, आप कितना डाटा कंज्यूम हो रहा है इसके कस्टमाइज रिमाइंडर लगा सकते हो, ये एक अच्छी बात है। ये नया फीचर ऐड हुआ है। सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो यहाँ पर स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पर ऐड हुआ है और डिजिटल वेल बींग एंड कर दिया गया है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम जाएंगे बैटरी के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक स्क्रीन ऑन टाइम, जैसे कि बता रहा है यूज हो गया 2 hours 8 minutes। स्क्रीन ऑन टाइम जो है वो 1 hour 28 minutes का है। अवेलेबल यहाँ पे हमारे पास 18 hours 25 minutes है। तो हमारे पास फाइनली कलर ओएस के अंदर स्क्रीन ऑन टाइम आ गया है, जो कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। ऊपर से यहाँ पे गूगल के द्वारा जो डिजिटल वेलबिंग और पेरेंटल कंट्रोल्स आते हैं वो भी यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, और वो भी हमें अब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 4 hours 20 minutes मैंने अपने फोन का यूज किया है, उसमें इतना यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, व्हाट्सएप, कॉल ऑफ ड्यूटी, अदर, ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ की आज के दिन में, और ये सारा कुछ मेरे को बताता है। और 90 times मैंने अपने फ़ोन का लॉक किया है। नोटिफिकेशन देखो कितनी सारी आई हैं। और ऊपर से यहाँ पे यार आप विंड डाउन का फीचर यहाँ पे लगा सकते हो, जहाँ पे बेड टाइम शेड्यूल है और काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो। नोटिफिकेशन को डो नॉट डिस्टर्ब का मोड है, और यहाँ पे शो आइकॉन इन द ऐप लिस्ट, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे ऐड आपको मिल गई हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं लॉन्चर में कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड की गई हैं, जैसे कि डेट एंड विजिट का यहाँ मिल गया है, वेदर का विजिट मिल गया है, और स्मार्ट का यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको कलर वाइज का इंटरफेस तो पता ही है, थोड़ा सा ट्वीक्स किए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे जाओगे विजिट्स के अंदर तो आपको डेट और टाइम के यहाँ पे थोड़े से विजिट्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब यहाँ पे अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो है नोटिफिकेशन सेंटर और स्टेटस बार। रीडिज़ाइन कर दिया गया है नोटिफिकेशन सेंटर स्टाइल को, तो ये आप देख सकते हो। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे नई आपको देखने को मिल रही है, मतलब नई फीचर्स नहीं है, बट यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा आपको डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन सेंटर में, स्टेटस बार में, तो ये एक अच्छी बात है। अब जो नोटिफिकेशन आएंगी उसको आप लेफ्ट स्वाइप करके, राइट स्वाइप करके जैसा मर्जी निकाल सकते हो। ये भी इन्होंने फीचर है ऐड किया है, स्वाइप लेफ्ट और राइट टू रिमूव द मैसेज प्रॉम्प्ट आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। हमें देखते हैं होता है कि नहीं होता। इसको मैंने लेफ्ट किया, हो तो नहीं रहा, पता नहीं। रियलमी वालों ने कहा होता है बट यहाँ पे मेरे तो नहीं हो रहा। अबे ये ऐसा क्यों है, अब मेरे को नहीं पता। बट इन्होंने लिखा है स्वाइप लेफ्ट और राइट टू रिमूव द मैसेज प्रॉम्प्ट आफ्टर। आई थिंक मेरे हिसाब से ये वो होगा जब कोई नोटिफिकेशन आती है तो रियलमी एक्स में ना यहाँ पे जब से हम कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ऊपर आ जाती है, तो मेरे जैसे ये है तो इसका नहीं, ये भी नहीं होता है। तो बहुत ही अजीब बात है, इन्होंने बोला है कि हो जाएगा तो ये नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हो। तो रियलमी आपने ये अपडेट डाला है, ये हो नहीं रही है चीज़, ये बहुत वियर्ड है। अब आप देख लो यार क्या करना है इसको, क्या नहीं करना है। या फिर ये मैसेज कर रहे हैं, एक बार कोशिश करके देखते हैं क्या मैसेजेस के अंदर ये बोल रहे हैं। मैसेजेस में जाके देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ है भी कि नहीं, या इनका ऐसे पपलू सा लग गया है जो भी है। अगर मैं इसको गीक अभिषेक मैं राइट को, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, राइट लेफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे डिलीट आता है, बट इसको राइट करता हूँ तो कुछ नहीं। तो मुझे नहीं पता भाई इन्होंने क्या फीचर ऐड किया है जो कि काम भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे पावर कंजम्पशन में पार्शियल स्क्रीन सीन पावर कंजम्पशन ऑप्टिमाइजेशन आप इसको ऑन कर सकते हो। पार्शियल स्क्रीन पावर यहाँ पे कंजम्पशन ऑप्टिमाइज, अगर आप बैटरी में जाओगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ सेटिंग्स में जाके बैटरी अगर आप चाहते हैं ये आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बैटरी के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि आप आराम से देख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर आपको नोन इशूड फिक्स हुआ है और वो है व्हाट्सएप का, जब हमें वीडियो कॉल आता है तो कैमरा पॉपअप अपने आप खुल जाता है। उसको टेस्ट करने के लिए मेरे पास दूसरा फ़ोन है जिससे मैं व्हाट्सएप कॉल करूँगा और पता चल जाएगा कि भाई साहब इसका अब पॉपअप कैमरा ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपना वाला व्हाट्सएप जो है उसके ऊपर एक करूँगा डायल। तो मॉम का फ़ोन है ये, मॉम ने टेक्स्ट फॉर्म ही लिख रखा है, नाइस। और यहाँ से मैं वीडियो कॉल करने से आ रहा हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ओके, ये देख सकते हो आप, मैंने वीडियो कॉल किया और यहाँ आ गया। ओ नाइस, तो आप देख रहे हो वीडियो कॉल आने पर भी कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि हमें, चलो पहले मैं इसको बंद करता हूँ, आपको बताता हूँ। तो यार देखो, ओके अब ऑन हुआ है, तो यहाँ पर पॉपअप कैमरा जो है वो ऑन हो गया। ओके, तो आपने देख ही लिया कि मैंने जब व्हाट्सअप यहाँ पे कॉल की तो यहाँ पर जो हमारा कैमरा था वो पॉप होकर बाहर नहीं आया। तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे ऐड कर दिया। तो भाई बहुत लोगों की यहाँ पे कंप्लेंट थी कि यार पॉपअप कैमरा बाहर आ जाता है व्हाट्सअप वीडियो कॉल पे, अब वो चीज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे गाइज ये सारी चीज़ें हैं जो कि नए अपडेट में देखने को मिली है आपके रियलमी एक्स में। तो काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को कि इन्होंने नया काम किया। बाकी यही कुछ था आज की वीडियो में गाइज। अगर आपको ये पसंद आया हो अपडेट का एपिसोड तो यार वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना और चैनल वालों के रखे ख्याल की। स्माइलिंग एंड ऑलवेज चेक गाइस, लव यू, बाय बाय।